वेलकम टू माई चैनल। मेरा चैनल का नाम यम केक्स है और आज हम शार्प एजेस कैसे लेके आएंगे वो हम सीखेंगे। हमने यहाँ पे बटर स्कॉच स्पॉन्ज लिया है, एट द सेम टाइम हमने यहाँ पे क्रीम में भी बटर स्कॉच का एसेंस डाला है। आपके हिसाब से अगर आपको वनीला क्रीम रखना है आप रख सकते हो। मैं यहाँ पे बटर स्कॉच क्रश भी यूज़ कर रही हूँ एंड क्रश आपको ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि ज़्यादा लोगे तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, तो खाने में ज़्यादा मज़ा भी नहीं आएगा। तो थोड़ा डालो, लिमिटेड एवरेज, ठीक है। एंड मार्केट में ना बटर स्कॉच नट्स भी आते हैं और बटर स्कॉच चॉको चिप्स भी आते हैं, तो आपके हिसाब से आपको जो पसंद है वो डालो। मैं बटर स्कॉच नट्स डालती हूँ। अभी बटर स्कॉच नट्स जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है, मैं दाने जैसे है वैसे डाल रही हूँ। या तो आपको क्रश करके डालना है, आप क्रश करके भी डाल सकते हो, तो आपके हिसाब से। किसी को ज़्यादा क्रंची खाना पसंद है तो वो फुल बटर स्कॉच नट्स प्रेफर करते हैं, किसी को क्रश किए हुए पसंद होते हैं, ठीक है। तो हम यही सेम स्टेप फॉलो करेंगे, पहले सोक करेंगे फिर क्रीम लगाएंगे। क्रीम अप्लाई करने के बाद हम बटर स्कॉच क्रश यूज़ करेंगे एंड देन बटर स्कॉच नट्स। तो ऐसे करने के बाद हम हमारे केक को क्रम कोट करेंगे। क्रम कोट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रम कोट नहीं करोगे तो जो क्रम्स जो केक के निकलते हैं ना वो आपको दिक्कत करेगी फिनिशिंग के तौर पे, ठीक है। तो जब फिनिशिंग का काम करोगे ना तब छोटे छोटे दाने आने लग जाएंगे, तो आपको क्रम कोट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप बिगिनर्स हो तो आप क्रम कोट करके 10 मिनट फ्रिज में रख दो ताकि वो थोड़ा सा सेट हो जाए, ठीक है। सेट होने के बाद आप फिर आउटर फिनिशिंग के लिए क्रीम आप फिर तभी यूज़ करो। सो यहाँ पे मैं पतली लेयर की क्रीम लगा रही हूँ तो उसे कहते हैं क्रम कोटिंग, ठीक है। तो ऐसे हम क्रम कोट करते हैं। अभी यहाँ पे मैं एक्वा क्रीम बनाऊँगी। थोड़ा सा मैं वाइट क्रीम साइड में रखूँगी ताकि मेरे को आगे जो डिज़ाइन करना है उसके लिए यूज़ हो। यहाँ पे मैं ब्लू कलर ले रही हूँ। ब्लू के मैंने 2 ड्रॉप्स डाले और ग्रीन के 1 ड्रॉप। इसे आप मिक्स करोगे तो आपको मिलेगा एक्वा कलर, ठीक है। इसको टील कलर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप आपके हिसाब से जितना कलर डार्क करना है उतना आप एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो। मैंने तो बता दिया आपको 2:1 रेशो, 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्लू एंड 1 ड्रॉप्स ऑफ ग्रीन कलर, ठीक है। इसे प्रॉपरली हम मिक्स कर रहे हैं एंड अब हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। जब भी हम नया क्रीम लगाते हैं आउटर फिनिशिंग के लिए तभी आपका बोर्ड हमेशा क्लीन होना चाहिए। चेक करो सेंटर में है या नहीं केक, नहीं है तो तभी हम प्लेस प्रॉपरली कर सकते हैं। फिर अब हम यहाँ पे हमारा क्रीम की फिनिशिंग करेंगे। अभी कैसे करते हैं, थोड़ा सा क्रीम लेना है, लेफ़्ट एंड राइट अपने पैलेट नाइफ से घुमाना है, आगे पीछे आगे पीछे। जैसे जब हम लोग बटर लगाते हैं ना वैसे ही आपको सेम ट्रिक आपको इसमें यूज़ करनी है आपको। अभी फिनिशिंग हम लोग नहीं कर रहे फ़िलहाल, सिर्फ लगाने का काम किया हमने, ठीक है। अभी यहाँ पे ऊपर भी मैंने क्रीम लिया है एंड ऊपर भी हम फैलाएंगे, इधर भी हम लोग फिनिशिंग नहीं कर रहे, ठीक है। आपको टर्न टेबल इज़ वेरी मच नीडेड फॉर गेटिंग द फिनिशिंग ऑफ योर वर्क। टर्न टेबल नहीं रहा तो आपका काम आसान नहीं होगा, आपको बहुत दिक्कतें आएगी। सो टर्न टेबल इज़ मस्ट एंड एट द सेम टाइम आपको स्टील का स्टेंसिल लेना है, ये कंपलसरी है। प्लास्टिक भी ले सकते हो आप। विद द हेल्प ऑफ स्टेंसिल एंड टर्न टेबल आपको घुमाना है और आपके स्टेंसिल जो आपका स्टील का है उसे आप पोजिशन में रखना है अराउंड 45 डिग्री एंगल। आपका जो स्टील का जो आउटर हिस्सा रहता है ना हाफ इंच जितना ही टच होना चाहिए क्रीम को, ठीक है। और उसे सिर्फ घुमाना है, वो खुद ब खुद आपको शार्प एजेस शार्प फिनिशिंग देगा साइड्स की। शार्प एजेस के लिए आपको पैलेट नाइफ यूज़ करना है। पैलेट नाइफ अपनी तरफ के एरिया से धीरे से अंदर खींचना, ठीक है। वो भी आपको 45 डिग्री एंगल में आपको रखना है, ठीक है। इसी अगर आप न्यू बिगनर हो तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी शार्प एजेस लाने में, बट एट द सेम टाइम आप अगर प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप फिनिशिंग लेके आओगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कैसे बटर स्कॉच केक बनता है, कैसे हम टील कलर या फिर एक्वा कलर बनाते हैं एंड फिनिशिंग कैसे लेके आते केक को। मैंने यहाँ पे ब्रश इफेक्ट किया है क्योंकि मुझे ये इफेक्ट बनाना था फॉर माय कस्टमर। सो होप यू लाइक माय वीडियोस।
प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ शेयर. थैंक यू.